नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564309906089752384455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivil। इस वीडियो में हम अपनी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और मेंस के पर्सपेक्टिव से एक नया इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, डिस्कस द बेनिफिट्स एंड कंसर्न्स रिलेटेड विद द रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स। नदी को जोड़ने वाली परियोजनाओं से संबंधित लाभों और चिंताओं पर चर्चा करें। तो हम अपने आंसर की शुरुआत करेंगे ये बताते हुए कि नदी को आपस में जोड़ना या रिवर इंटरलिंकिंग का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि एक जल अधिशेष नदी को, जिसमें ज़्यादा पानी है, उस नदी को पानी की कमी वाली नदी से जोड़ना, यानी एक मेथड होता है इंटरलिंकिंग का, वाटर सरप्लस वाली रिवर को वाटर डेफिशिएंट वाली रिवर से। जिसमें समझ लीजिए आप, ऐसे कोई हिमालय से रिवर आ रही है, उसको आपने डेक्कन प्लेट्यू वाली रिवर से जोड़ दिया जहाँ पर पानी की कमी है, जहाँ पर सिर्फ रेनी सीजन में पानी आता है। तो ऐसी रिवर को, दो को आप जोड़ देंगे तो इन एरिया में जहाँ पर बाकी सीजन में पानी नहीं रहता है वहाँ पर साल भर पानी की उपलब्धता हो जाएगी। तो रिवर इंटरलिंकिंग का सिंपल मतलब ये है। नदी को आपस में जोड़ने का विचार पहली बार सर आर्थर कॉटन द्वारा मद्रास प्रेसिडेंटी में रखा गया था और स्वतंत्रता के बाद 1960 में इस विचार पर केएल राव, जो कि उस टाइम के ऊर्जा और सिंचाई राज्य मंत्री थे, उन्होंने विचार किया था और उन्होंने ही गंगा और कावेरी को जोड़ने का सुझाव दिया था। तो आप समझिए, गंगा हमारी एकदम नॉर्थ से फ्लो करती है, उसके बाद कावेरी एकदम साउथ से फ्लो करती है, तो नॉर्थ से साउथ तक की रिवर को जोड़ने के लिए इन्होंने एक प्लान बताया था, ऐसी ये योजना लाना चाहते थे। इसके बाद हम बताएंगे कि बाद में फिर 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से नदी को जोड़ने की योजना तैयार करने के लिए कहा था और फिर 2014 में फाइनली केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना को कैबिनेट से मंजूरी मिली। तो आपको ये बताना है कि केन बेतवा नदी परियोजना कौन से दो स्टेट्स के बीच में शेयर की जा रही है, और ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी थी तो आपको ये पता होना ज़रूरी है। इसके अलावा फिर हम बताएंगे कि नेशनल रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट या नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान जो था, ये अगस्त 1980 में तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय जो कि अब जल शक्ति मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, के द्वारा तैयार किया गया था, जो पानी के अतिरिक्त बेसिन से पानी को कमी वाले बेसिन में स्थानांतरित करने के लिए पानी के अंतर बेसिन हस्तांतरण के माध्यम से जल संसाधन विकास के लिए तैयार किया गया था। इसके बाद फिर हम बताएंगे कि इस परियोजना में लगभग 3000 भंडारण बांधों के नेटवर्क द्वारा भारत की 37 नदियों को आपस में जोड़ने की परिकल्पना की गई है। तो जो पूरा इंटरलिंकिंग का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर कितनी नदियां आती हैं, तो 37 नदियां आती हैं इसके अंदर, जिसमें कि 14 नदियां आती हैं जो हिमालयन रीजन से निकलती हैं और 16 नदियाँ आती हैं जो कि डेक्कन प्लेट्यू से या पेनिनसुलर रीजन से निकलती हैं। तो इतनी नदियों को, 37 नदियाँ हैं पूरे प्रोजेक्ट में जिन्हें आपस में जोड़ने की बात कही जाती है। फिर उसके अलावा राष्ट्रीय नदी जोड़ने की परियोजना की क्या आवश्यकता है, तो नेशनल रिवर इंटरलिंकिंग जो प्रोजेक्ट है उसकी क्या नीड है, इसे हम समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम बताएंगे कि जैसा कि भारत में निचले अक्षांश क्षेत्र में पानी की कमी है, तो जो लोअर लैटिट्यूड्स हैं, यानी कि जो हमारा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे का एरिया आता है, इसमें पानी की काफ़ी ज़्यादा स्कैर्सिटी देखने को मिलती है क्योंकि वह मुख्य रूप से मॉनसून पर निर्भर है। तो ये पूरा एरिया जो है मॉनसून फेड है, यहाँ की जितनी भी नदियाँ हैं, और जो हमारा हायर लैटिट्यूड वाला रीजन है जो कि हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आप समझ लीजिए पड़ता है, उनकी नदियों में ऑलमोस्ट साल भर पानी रहता है क्योंकि वहाँ की नदियाँ ग्लेशियर से पानी इकट्ठा करके आती हैं, वो ग्लेशियर के पिघलने से बन के आती हैं। तो ऐसी नदियों में साल भर पानी रहता है और मानसून के सीज़न में तो ये ओवरफ्लो करने लग जाती हैं, बाढ़ आ जाती है इनकी वजह से। तो ऐसी दो नदियों को अगर आपस में जोड़ दिया जाए, एक नदी है जिसमें कि बहुत ज़्यादा पानी है कि वो बाढ़ ला दे रहा है, और एक नदी ऐसी है जिसमें कि पानी ही नहीं है, वो एकदम सूखी है, तो अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया तो इस एरिया से बाढ़ की समस्या से निपटा जा सकता है और इस एरिया से सूखे की समस्या से निपटा जा सकता है।
इसके अलावा हम बताएंगे कि देश में जल विभाजन कवर करने के लिए ये इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट एक बेहतर कदम हो सकता है। फिर नदियों को आपस में जोड़ने के क्या लाभ होंगे, तो सबसे पहला जो वाटर डिवाइड है इंडिया का वो काफ़ी हद तक टैकल किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया का हमने जैसे समझा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का एरिया है उसमें एक सरप्लस वाटर देखने को मिलता है मॉनसून के सीज़न में, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे का एरिया है उसमें मॉनसून सीज़न के अलावा तो बाकी साल वो नदियाँ सूखी ही रहती हैं। तो इन दोनों को इंटरलिंकिंग से एक तरीके से जो वाटर डिवाइड क्रिएट हो रखा है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा परिवहन लागत को कम करने के लिए अंतर्देशीय जल मार्गों का निर्माण किया जा सकता है। अगर दो रिवर को जोड़ा जाए तो नेशनल वाटरवे बन सकते हैं। तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंडिया में कितने टोटल नेशनल वाटरवेज प्रपोज्ड हैं, और जो नेशनल वाटरवे वन है वो कौन सी दो नदियों के बीच में बना हुआ है। इसके बाद फिर हम बताएंगे कि भारत में कृषि क्षेत्र मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर करता है, और नदी को आपस में जोड़ने से पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो जो हमारा सिंचाई की समस्या है पूरी, उसका समाधान नदियों को आपस में जोड़ने से किया जा सकता है, जिससे कि जिन एरिया में पानी की कमी है वहाँ पर भी वो वाली फसलें उगाई जा सकती हैं जिनमें ज़्यादा वाटर की डिमांड होती है। उसके अलावा नदियों को आपस में जोड़ने से, उन पर बांध बनाने से लगभग 34,000 मेगावाट बिजली पैदा करने में मदद मिल सकती है, एक रिपोर्ट का ऐसा कहना है। फिर नदियों को आपस में जोड़ने से वर्षा ऋतुओं के अधिशेष जल को जलाशयों में संग्रहित किया जा सकता है, और शुष्क मौसम के दौरान इसका उपयोग किया जा सकता है। तो जो भी सरप्लस वाटर रहता है इधर नॉर्थ साइड की नदियों में, उन्हें हम अलग से स्टोर कर सकते हैं इधर, और साउथ में जो वाटर डेफिसिट सीजन होता है उस वाटर को हम यूज़ भी कर सकते हैं इंटरलिंकिंग से। ये भी एक फ़ायदा देखने को मिलेगा। लेकिन इस पूरी परियोजना से जुड़ी कुछ चुनौतियाँ भी हैं। तो चुनौतियाँ क्या क्या हैं, इन्हें हम समझेंगे। तो सबसे पहली चुनौती है कि इस पूरी परियोजना की लागत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इसमें कैपिटल लगाने की बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट है ये पूरी परियोजना, और 5.6 लाख करोड़ रुपए इस पूरी परियोजना का कॉस्ट है। उच्च इंजीनियरिंग तकनीकों की भी आवश्यकता इसमें पड़ेगी, तो ये तो खाली कॉस्ट है, उसके अलावा बहुत सारे एक्स्ट्रा खर्चे जो होंगे, और बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पूरी परियोजना को काफ़ी चुनौतीपूर्ण बना देती हैं ये सारी चीज़ें। फिर आपस में जुड़ने के दौरान वनस्पतियों और जीवों की विस्थापना और संशोधन नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को असंतुलित करेंगे, तो एक एनवायरमेंटल चैलेंज देखने को मिलता है। ये कि जो जब भी एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ा जाएगा तो इंटरलिंकिंग करने के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, किसी तरीके से इन्हें जोड़ने के लिए कुछ कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे हम कह सकते हैं। तो जो भी कंस्ट्रक्शन होगा उस कंस्ट्रक्शन के लिए जो पूरा बेसिन है वहाँ पर वनस्पतियों को काटना पड़ेगा, लोग जो वहाँ रहते होंगे उन्हें रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा, और वहाँ के वनस्पतियों को, वहाँ के जो भी जीव जंतु हैं उन्हें रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा, और वनस्पति तो पूरी तरीके से ख़राब हो ही जाएंगे, तो एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान देखने को मिलेगा इस पूरी परियोजना से, क्योंकि पूरा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसे वहाँ से डिस्प्लेस करना पड़ जाएगा। फिर समुद्री जलीय जीवन भी प्रभावित होगा, क्योंकि परियोजना समुद्र में ताजे पानी के प्रभाव को कम कर सकती है। अब नेचुरली क्या होता है, एक नदी बह रही है, बह करके वो समुद्र में गिर जा रही है, तो समुद्र में यहाँ पे सॉल्टी वाटर है, यहाँ पर नदी का फ्रेश वाटर है, तो बीच में ब्रैकिश वाटर वाला रीजन देखने को मिल जाता है। लेकिन जब दो नदियाँ आपस में जुड़ जाएंगी तो जो फ्रेश वाटर का जो फ्लो है वो समुद्र की तरफ वो रिड्यूस हो जाएगा। तो एक तरीके से जो फ्रेश वाटर की नीड, जो ब्रैकिश वाटर वाला एरिया समुद्र में रहता है उस पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और जो समुद्री जलीय जीवन है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालेगा। फिर बांधों और जलाशयों के निर्माण का सामाजिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इससे बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित किया जाएगा। तो जब भी डैम्स वगैरह बनते हैं तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, उन्हें डिस्प्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है, इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन वहाँ पर होता है। और जब इतने नंबर ऑफ डैम्स बनेंगे तो कितने लोगों को डिस्प्लेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उन्हें रिहैबिलिटेट करने से रिलेटेड जो इश्यूज़ आएंगे वो भी इस पूरी परियोजना से रिलेटेड एक बड़ा चैलेंज है। फिर नदियों को लेकर अंतरजलीय विवाद परियोजनाओं से जुड़ी एक बहुत बड़ी चुनौती है।
फिर सीमा पार नदियों को लेकर भारत के पड़ोसी देशों के साथ मुद्दे हैं और एक और बड़ी चुनौती जुड़ी हुई है। तो जो हमारे नदियाँ ये इधर से आती हैं नॉर्थ साइड में, जो इंटर कंट्री जो नदियाँ आती हैं उनको लेकर के हमारे इशूज़ चलते हैं देशों के साथ। जैसे कि तीस्ता रिवर को ले लीजिए तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इशू चलता है। ब्रह्मपुत्रा पे चाइना जो है डैम बनाने की कोशिश करता है। इसके अलावा इंडस से लेकर के हमारा पाकिस्तान से इशू चलता है। तो जो हमारी इंटर कंट्री जो हमारी रिवर है उनसे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो भी इस पूरी परियोजना को लेकर के काफ़ी बड़ा चैलेंज क्रिएट करते हैं। फिर हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे, हम वे फॉरवर्ड सुझाएंगे, हम बताएंगे कि प्रभाव आधारित आकलन और अध्ययन की ज़रूरत है, यानी इम्पैक्ट बेस्ड असेसमेंट और स्टडी की ज़रूरत है इस पूरी परियोजना को लागू करने के लिए, कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसे हमें पहले पता लगाना चाहिए, तब इस परियोजना को लागू करना चाहिए। फिर जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण, जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण के स्थानीय समाधान पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। तो एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जो वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक है, जो लोकल टेक्निक्स यूज की जाती हैं और जो वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक्स हैं उनको यूज़ किया जा सके, जिससे कि वाटर डिवाइड कम हो सके देश में और वाटर की जो आपूर्ति है वो पूरी की जा सके। इसके अलावा परियोजना को विकेंद्रीकृत करने की ज़रूरत है, यानी डिसेंट्रलाइज करना चाहिए इस पूरे प्लान को। फिर बाढ़ और सूखे को कम करने के लिए वर्षा जल संचयन जैसे स्थायी तरीकों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए केन बेतवा को जोड़ना। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे आने वाले वीडियो में हम नया इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।